यहां पर आपको बड़ी खबर से आगाह करें। फवाद चौधरी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान। उन्होंने कहा कि मैंने तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी, पीटीआई में वापसी से मुतल्लिक कुछ नहीं कह सकती। शीरी मजारी का भी बयान सामने आया है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि मैंने तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी, वापसी तो वहाँ होती है जहाँ से बंदा छोड़ कर जाता है। दूसरी तरफ शीरी मजारी का कहना है कि पीटीआई में वापसी से मुतल्लिक कुछ नहीं कह सकती, फिलहाल सियासत छोड़ चुकी हूँ। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि पार्टी छोड़कर जाने वाले वापस आते हैं, बारी आई तो अपनी कहानी सुनाएंगे। अभी तो उन लोगों की कहानी सामने आई है जिन्हें कहानियां बयान करने की इजाजत है। उन्होंने कहा कि तलखियों का खात्मा चाहते हैं, मौजूदा हुकूमत की कोई साख नहीं, ये फॉर्म 47 पर खड़ी है। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ को मौलाना फजल रहमान समेत सबसे बात करनी चाहिए, पीटीआई और मौलाना इकट्ठे हो गए तो हुकूमत 3-4 माह चलेगी। दूसरी तरफ शीरी मसानी का कहना था कि पीटीआई में वापसी से मुतल्लिक कुछ नहीं कह सकती, फिलहाल सियासत छोड़ चुकी हूं। उन्होंने कहा कि लगता है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ वाले ही दहशतगर्द हैं, एटीसी में कोई दहशतगर्द नजर नहीं आता, हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं। यह अहम अपडेट थी जिससे आपको आगाह कर रहे थे।